राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे से हो रही मौत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब चाइनीज मांझा बेचने वाले और उसे खरीदने वाले दोनों पर ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा कई ऐसे मांझे व्यापारी को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं पश्चिम बिहार में लगभग 10 दिन पहले चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की प्रो DCP सुमन नलवा से हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल ने की खास बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए DCP PRO सुमन नलवा मैम है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से। मैम, जिस तरीके से लगातार मांझे पे कार्रवाई की जा रही है, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये मांझा जिसको चाइनीज मांझा बोलते हैं, यह दिल्ली में बैन है। इसका यूज, इसका परचेज, इसका स्टोरेज, इसको बेचना खरीदना सभी एक ऑफेंस है। तो उसके लिए हमारी कैंपेन चल रही है। हमने FM में भी हम कर रहे हैं और मार्केट्स में भी हम अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो रहा है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सावधान करना चाहूँगी कि ये चाइनीज मांझा, ये रीइंफोर्स जिसको बोलते हैं, मेटेलिक होता है या नायलॉन का होता है, इसको यूज़ ना करें, क्योंकि पतंग उड़ाना एक अच्छा खेल है। इसको खेल ही रहने दें, इसको ऐसा ना करें कि इससे किसी की जान जाए, क्योंकि आपको अपने मनोरंजन का अधिकार है लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। तो अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वह गलत होगा, अपराध होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैम, इसी हादसे में जो है एक 7 साल की बच्ची भी ख़त्म हो गई थी पिछले हफ्ते पश्चिम बिहार के अंदर। हालांकि माँ बाप की अकेली बेटी थी, बहुत सारे परिजन रो रो के बुलाहार हो गया, लेकिन दिल्ली वासी को जो है एक मैसेज किस तरीके से छोड़ा जाए कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके मांझे के ऊपर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी जान जाती है तो वह एक बहुत बड़ा सदमा होता है किसी भी परिवार के लिए। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि छोटी बच्ची है, उसकी असमय मृत्यु हो गई है मांझे के कारण। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स हैं, अगर ये बच्चे उनके हैं तो उनको इतनी फ्रीडम ना दें कि वह कुछ भी करें और किसी की भी हत्या की जिम्मेवार बने। तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, परिवार की है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी पहले। जिस तरीके से आपने सुना DCP PRO सुमन नलवा मैम को, इनका कहना है कि पेरेंट्स को समझना होगा कि आपके बच्चे किस तरीके से जो है चल रहे हैं और जो है पतंग के ऊपर जिस तरीके से मांझे को लेकर के वो जो उड़ा रहे हैं, किसी की भी जान जा सकते हैं, इस पे जो है नकेल कसने की जरूरत है। कैमरा पर्सन हेमंत चौधरी के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीम।